जी का आज हैप्पी वाला बर्थडे है, तो आज उन्हीं का इंटरव्यू हम ले रहे हैं। तो सर, आपको आने में कोई ज्यादा एफर्ट्स तो नहीं लगे? एफर्ट यार, अब दोस्ती में कोई कुछ करता तो अच्छा करना चाहिए ना। बहुत बढ़िया सर। सर एक बार प्लीज हाथ घुमाइए ना सर पे, और एक बार प्लीज सर, एक बार सर, सर प्लीज प्लीज एक बार प्लीज। ओके 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 सर। सर हमारा जो शो है वो सांगली करके लिए चलता है, तो आप सांगली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा शहर है, मेरा घर है, मेरा मेरी कर्म भूमि है। ओ सर, आप हर्बर्ट रोड पर तो नहीं रहते? जाने दो। वैसे आप रेडियो ऑरेंज के लिए क्या कहना चाहोगे? उनका नाम लगने से थोड़ी सी एक एडिशन होती है कि एक कूल फैक्टर आ जाता है। अरे सर, वो तो है ही, हम कूल वैसे भी, हम एक नंबर गाना बजाते ही है। पर इसके अलावा देश में जो चल रहा है, कि मतलब आपके हिसाब से इंसानियत क्या है? ह्यूमंस ह्यूमन होते हैं। बाप रे, ये तो हमको पता ही नहीं था। ओके ओके, वैसे आज आपका हैप्पी वाला बर्थडे है, तो आपको किस किस ने आज विश नहीं किया? लता जी, आशा जी। क्या करे सर, होते हैं ऐसे इंसान। मुझे ये बताओ कि इस कोरोना महामारी में आपको केक नहीं मिला होगा, नहीं तो कैसा लग रहा है आपको? दिल टूट गया था मेरा। फिर जाने दीजिए, केक वेक तो आपको नहीं मिला, पर आज आपका बर्थडे है, तो इस दिन आप सांगली कर से क्या कहना चाहोगे? प्रसिद्धता नहीं, वो अगर थोड़ा हम लोग मदद कर सके और थोड़ा लोग जुड़ जाए इसके साथ तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है सर, मतलब प्रसिद्धि किसी को मिलती है नहीं मिलती, पर जाते जाते आप मेरे बारे में दो शब्द प्लीज बोल दीजिए। इतना टैलेंट और इतना मतलब मंझा हुआ टैलेंट। थैंक यू सो मच सर, और मैं चाहती हूँ कि आपके अगले जन्मदिन पर आपको केक खाने मिले। और ठीक है, तो आपको फिर से एक बार हैप्पी वाला बर्थडे। बाकी सुनते रहिए रेडियो रेंज 93.5 FM, कुछ खट्टा कुछ मीठा। बाय बाय।